Assalamu alaikum everyone, this is Arhamgul from Arhamgul Tutorials. So guys, आपको पता है अक्टूबर एंड सितंबर के अंदर कितने सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं ग्लोबली और पाकिस्तान के अंदर भी. और आपको पता है नवंबर 2019 यहाँ पर आ रहा है, तो आज आपको बताऊंगा नवंबर 2019 में कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स आएंगे. स्मार्टफोन्स से कम आएंगे बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ग्रैंड वेलकम टू यू, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और वीडियो को पूरा देखते रहें. तो चलते हैं नवंबर 2019 के स्मार्टफोन्स की तरफ. हमारे पास में सबसे पहला स्मार्टफोन निकल कर आ रहा है, वो है ऑनर का V30. और ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको एक मिड रेंज लेवल की स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगी. अब ये कंफर्म नहीं है कि स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन का मिलेगा, बट जो स्पेसिफिकेशन मेरे तक आई थी वो मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दी है. और अगर प्राइसिंग अगर हम यहाँ पर बात करें स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के बारे में, तो ये स्मार्टफोन तकरीबन एंड ऑफ नवंबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है. एंड ये स्मार्टफोन आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देगा. तो चलते हैं अपने सेकंड स्मार्टफोन की तरफ. नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन है वो Redmi का स्मार्टफोन है, Redmi Note 8T. आपको पता है Redmi का Note 8 Pro है, Note 8 आया, तो ये उसी का सक्सेसर Redmi Note 8T है. तो आपको वही देखने के लिए मिलता है Redmi Note 8T. एंड अगर हम यहाँ पर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये एंड ऑफ नवंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा. स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर शो हो गई होंगी. और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर, जो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रोसेसर है. तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये होने वाला है. दोस्तों बात करते हैं Xiaomi के बारे में. तो Xiaomi यहाँ पर Xiaomi का Mi Mix 4 या Xiaomi Mi Note 10 के नाम से स्मार्टफोन लाएगा, जो कि फुली बेजलेस स्मार्टफोन होगा, कम्प्लीटली बेजलेस स्मार्टफोन, बहुत कमाल का होने वाला है. स्पेसिफिकेशन आपने देख ली होंगी. ये स्मार्टफोन आएगा नवंबर के एंड पर आपको देखने के लिए मिल सकता है. बहुत अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन आएगा. तो इस मतलब कि इसके स्मार्टफोन पर जो मैं रिव्यू बनाऊंगा तो वो आप जरूर देखिएगा. इस पर लीक्स होती है वो आ रही हैं, मैं आपको जरूर इस पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा. नेक्स्ट स्मार्टफोन हमारा निकल कर आया है वो है Xiaomi का Mi A3 Pro. आपको पता है Xiaomi ने Mi A3 लॉन्च किया, तो ये उसी का सक्सेसर है Mi A3 Pro. इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिला है, साथ में आपको 730G का प्रोसेसर देखने के लिए मिला है. और लॉन्चिंग डेट एंड ऑफ नवंबर 2019 आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है. तो दोस्तों जो हमारा लास्ट फोन्स हैं वो है Realme के स्मार्टफोन्स, Realme XT Pro या Realme X2 Pro. आपको इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन देने के लिए मिल सकता है. और अगर यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर रखी जाएगी. यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देने के लिए मिलेगा, 855 प्लस प्रोसेसर, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी. अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर को ये लीक आई, लीक्स के मुताबिक कहा गया कि 20 अक्टूबर को ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा. और साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप. आई होप कि आपको क्वाड कैमरा ही देखने के लिए मिले, साथ में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा. तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो आपको नवंबर 2019 में देखने के लिए मिल सकते हैं. कम है बट इंटरेस्टिंग है. तो खूब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. और अगर आप चैनल पढ़ने का तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही नई वीडियोस को लाता रहता हूं. सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड दिस इज अरहमगुल साइनिंग ऑफ.